हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन बैंकिंग पे। तो आज आपके साथ डिस्कस करेंगे SBI PO, IBPS PO, IBPS क्लर्क के लास्ट 30 डेज प्लान को, जिसमें हम टू डू लिस्ट कवर कर रहे हैं। डे 6 का, डे 5 तक का टू डू लिस्ट आपका कवर हो चुका है। डेली मॉर्निंग में 6:30 पे आपको आपका टू डू लिस्ट मिल जाता है, 6:30 अर्ली इन द मॉर्निंग आपके यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो पोस्ट कर दी जाती है। स्टार्ट करते हैं टू डू लिस्ट को। सुबह सुबह स्टार्ट करेंगे अपनी न्यूज़पेपर रीडिंग के साथ, 7 बजे से लेकर 7:45 AM तक। न्यूज़पेपर रीडिंग में एज यूजुअल जैसे आप डेली करते आ रहे हो, एडिटोरियल करोगे पूरा डीपली, आपको पूरा का पूरा एडिटोरियल पढ़ना है। साथ में अगर कोई बैंकिंग रिलेटेड न्यूज़ है प्लस RBI का कुछ ऐसा गाइडलाइंस या कुछ ऑम्बजमेंट वगैरह आया तो उसको डिटेल्स में पढ़ना है। बाकी जितने भी आपकी न्यूज़ है सबके सब हेडलाइंस में आपको पढ़ना है। अब सिर्फ हेडलाइंस में पढ़ने का बेनिफिट और क्यों पढ़ने से हेडलाइंस में इसको कवर करेंगे, सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक जब आप करंट अफेयर्स की क्लास कर रहे होगे। करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा @247 पे आशीष गौतम सर को फॉलो कर सकते हैं आप, या फिर आप अफेयर्स क्लॉड की वीडियो देख सकते हो। अब जो न्यूज़ आपने यहाँ पे हेडलाइंस के थ्रू पढ़ी है उसी का डिटेल डिस्कशन तो यहाँ पे होता है, तो क्यों मैं बार बार एक ही चीज़ को रिपीटेड करना है। आपने यहाँ पे हेडलाइंस देखा, आपके माइंड में एक पिक्चर क्लियर कट आ गई कि इससे ये न्यूज़ बन सकती है। अब वहाँ पर डिस्कशन आपने 8 बजे से लेकर 9 बजे तक कर लिया। 10 से 11 आपका आता है ग्रामर रूल का टाइम, जिसमें आपको 76 से 90 रूल्स करने हैं कल, मतलब 15 अगले 15। ये आपके लिए सोर्स कहाँ से है, 120 रूल्स बाय निमिषा बंसल मैम की एक बुक आती है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ लिंक शेयर कर दिया उस बुक का, अगर आप चाहो तो परचेज कर सकते हो, या फिर अगर आपको PDF फॉर्म में भी मिल चुकी है बुक और आप वहाँ से भी पढ़ने में कंफर्टेबल है तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। 11 से 12 आपका आता है स्पीड बूस्टर सेशन, जो कि मैं बहुत ही पसंद करता हूँ इस सेशन को, स्पीड बूस्टर। अब इसमें आपको करना क्या है, 20 सिंप्लीफिकेशन, 20 नंबर सीरीज, 20 क्वाड्रेटिक, आधे घंटे में लगाना है। सोर्स कहाँ से आपको मिलेगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए मैथ्स मैजिक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। यहाँ पे आपको 500 सिंप्लीफिकेशन, 500 नंबर सीरीज और 500 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की PDF शेयर कर दी गई है। अब जो आधा घंटा आपका बचता है उसमें आपको एक सेक्शनल मॉक लगाना है क्वांट के। सोर्स के लिए आप टेस्ट बुक का मॉक टेस्ट परचेस कर सकते हैं और ऑलिव बोर्ड, दोनों में कंफर्टेबल, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। टेस्ट बुक एक बिगनर के लिए, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप ऑलिव बोर्ड पे जा सकते हैं। अब आता है कोर टॉपिक की बात, क्वांट में कोर टॉपिक का क्या रखना है शेड्यूल आज। तो 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक करोगे एवरेज की क्लास आप, एवरेज की तैयारी। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, 50 क्वेश्चन लगाने हैं एवरेज से। 3 से 4 में आता है आपका रीजनिंग की क्लास, 5 ब्लड रिलेशन पजल लगाने हैं और 10 कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन लगाने हैं, चाइनीज कोडिंग वाले, ठीक है। 4 से 5 आपका आता है इंग्लिश का टाइम, 5 क्लोज टेस्ट प्लस 5 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लगाने हैं और आधे आधे घंटे का टाइम स्लॉट फिक्स करो। जैसे मैंने 5 क्लोज टेस्ट लगाए 30 मिनट, तो मतलब पर क्लोज टेस्ट मैं 6 मिनट ही दूंगा। 6 मिनट में मुझसे भले ही 4 क्वेश्चन बन पाए, 5 क्वेश्चन बन पाए, 3 क्वेश्चन बन पाए, दैट डजंट मैटर, 6 मिनट से 7वां मिनट नहीं दूंगा, क्योंकि एग्जाम में आपको एक सेंट्रलाइज्ड टाइम बनाना होगा क्लोज टेस्ट के लिए, और यही काम आपको करना है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। अगेन 5 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब 6 मिनट पर कॉम्प्रिहेंशन आपका लगेगा। 7 से 8 आपका आता है 1 फुल प्री मॉक टेस्ट, अगेन आपके लिए सोर्स है टेस्ट बुक या ऑलिव बोर्ड लगा सकते हो। 8:30 से 9:30 की बात करूं तो आपको 5 प्री लेवल की DI लगाने हैं और आज आपको Quantity 1 Quantity 2 से रिलेटेड 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। देखो इससे बेनिफिट क्या होगा, जहाँ पे प्री लेवल के DI में आपको परसेंटेज रेशियो एवरेज कंप्लीट हो जाएगा, कोर टॉपिक आपने एवरेज कर ही लिया है, और जब आप 20 Q1 Q2 के क्वेश्चन बना रहे होगे तो मैं एक वर्स्ट सिनेरियो लेके चलता हूँ कि आपको सिर्फ एक वैल्यू कैलकुलेट करनी है Q1 में, Q2 एक डायरेक्ट नंबर गिवन है, तो भी आप कहीं ना कहीं अर्थमेटिक के 20 क्वेश्चन यहाँ से अटेम्प्ट कर पा रहे हो। तो धीरे धीरे अब आप अर्थमेटिक वाले सेक्शन को इन जनरल अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चंस के फॉर्म में भी बनाना स्टार्ट कर दियो कोर टॉपिक को छोड़ के। तो Q1 Q2 के 20 क्वेश्चन लगाने हैं आपको। 10 बजे से लेकर 10:30 बजे तक आपने जो यहाँ पे एडिटोरियल पढ़ा है इसको शॉर्ट करना है, मतलब अगर ये एडिटोरियल आपका 500 वर्ड में था तो आपको 400 में करना है, 350 में करना है, 300 तक ले जाना है और उसको अपने नोटबुक पे लिखना है। ऐसा नहीं कि मन में सोच लिया कि अच्छा इस तरीके से शॉर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं करना है मन में, आपको एक एक करके चीज़ें लिखनी है। पहले हाईलाइट देखो कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या चीज़ें इस एडिटोरियल का प्लस था, क्या क्या चीज़ें नेगेटिव थी, ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, ये सारी चीज़ों को इसमें आपको फोकस करना है। इसका बेनिफिट आपको प्रीलिम्स में तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में मेंस में डिस्क्रिप्टिव में भी इसकी बहुत हेल्प मिल जाएगी आपको।
तो ये था गाइज मेरे अकॉर्डिंग आज का टू डू लिस्ट आपका। तो होप्स आप सभी डेली बेसिस पे टू डू लिस्ट को फॉलो कर रहे हैं, एंड एक्सट्रीमली सॉरी कल आपका टू डू लिस्ट नहीं आ पाया था जस्ट बिकॉज हमारे एरिया में नेटवर्क बहुत ही गंदी थी, बहुत ही बेकार नेटवर्क था, तो पोस्ट नहीं हो पाई थी वो वीडियो। तो इसीलिए डे 6 आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ। तो डेली बेसिस पे फॉलो करिए, और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और जो एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर हैं अगर अभी तक आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि सारी क्लासेस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, डेली कुछ ना कुछ अपडेट आपको बैंकिंग रिलेटेड में इसके अलावा और भी वीडियोज में देते रहता हूँ, तो चैनल से बने रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर, ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड।